फतेहाबाद में ग्रीवेंस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने की। बैठक के बाद बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने उदयभान को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि शून्य के सामने जितने मर्जी जीरो जोड़ लो, जीरो ही रहता है। जितेंद्र भारद्वाज को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले कि जिन्होंने उन्हें बनाया वो भी नहीं जानते ये भारद्वाज कौन है, जनता को क्या पता होगा। मंत्री ने बैठक के दौरान टुहाना के बिजली जेई को काम में लापरवाही बरतने पर चार्जशीट करने के आदेश दिए। रतिया थाने के एक सब इंस्पेक्टर को लोगों से उचित व्यवहार न करने पर सस्पेंड कर लाइन हाजिर करने के भी निर्देश दिए। बैठक में 18 से 11 शिकायतों का किया निपटान, 7 रखी हैं पेंडिंग। प्रदेश में बिजली संकट पर बोले बिजली मंत्री, बिजली का थोड़ा संकट, शीघ्र ही इसका हल होगा। हमारे पास 7000 मेगावाट बिजली है, आवश्यकता 7600 मेगावाट की है, 706 मेगावाट की कमी है, शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। सेंट्रल पूल से जो 706 बिजली मिलती है वो दिल्ली की सरकार हाई कोर्ट में चली गई है, अब वो दिल्ली को दी जा रही है और यही कमी है। ठीक है क्या? गेट बंद हो गया। ठीक है लक्की, चलो सर। बिजली का संकट पैदा किया जा रहा है हरियाणा। अशोक तंवर को क्या बात है इस बात का, किस बात का पता है उसे? ये कर रहे हैं, देखिए बाजार है, सेलर और बायर में एक झगड़ा होता है। सेलर अपनी चीज़ महंगी बेचना चाहता है, बायर सस्ती खरीदना चाहता है। आज 12 रुपये बिक रही है, आपको ये बीच में एग्रीमेंट थोड़े ही होते हैं। बिजली चाहिए लोगों को, गर्मी से बचाना है, इस करके हमें ये नहीं देखना होता। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तब लाइन लॉस 31% था, आज हमारा 13.5% है। गुजरात कर्नाटक के बाद पूरे देश में सबसे कम है। इसके बाद हमारा उस वक्त 37,000 करोड़ घाटे में था, आज हमारा डिपार्टमेंट 2,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। ये कहाँ से हो गया? ये आंकड़े को बदले जाते हैं। समाधान कब होगा प्रदेश की जनता से? क्या मैंने बताया आपको कि हमारा अगले 3-4-5 दिन में हम ठीक करने जा रहे हैं, थोड़ा जो कम है उसे कर रहे हैं। सभी जगह प्रॉब्लम आई है, हम इसे सर प्लांटों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है? हाँ हमारे पास है, कहीं दिक्कत नहीं है। हमारे पास अगले भी 10-12 दिन 15 दिन बराबर हमें रह कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हरियाणा में उदयभान पर कट हो चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं ना, कांग्रेस में बदलाव को कैसे देखते हैं मंत्री जी? हमारे पास 100% प्रोडक्शन चल रही है, और सेटों में 100% नहीं चली, हमारे पास कोयला बराबर पूरा है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस एक पार्टी जीरो, उसका कोई भविष्य नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रियंका को सबसे बड़ा कंपेनर समझ रहे थे, उनके कंपेन करने के बाद 425 में 2 सीटें आई है, तो कहीं कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस का एक जाने का इतिहास बीता हुआ इतिहास हो गया कांग्रेस का। कुलदीप बिश्नोई ने भी सवाल उठाया प्रदेश अध्यक्ष को। मंत्री जी शहर में बिजली के कट लग रहे हैं, मात्र 2 फोन टेलीफोन नंबर है, 1 सेकंड, मात्र टेलीफोन नंबर 2982-0249-0147, जब भी मिलाएंगे तब ही फोन बीजी तो इस पर बंद। देखिए लोग करते होंगे ना, दिक्कत है, जब दिक्कत है लोग फोन करते होंगे, तो ब्लाइंड उठाते भी नहीं है। आपने कहा मैं नोटिस मोड लाऊंगा, कट की भी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती है एक दिन पहले या उस दिन, ताकि लोग अपना मीडिया में सार्वजनिक हो जाए सर, लोग अपने लगा दिए जाते हैं, मतलब प्रिपेयर हो जाए। शेड्यूल जो होता है वो ऊपर चंडीगढ़ से तय होता है, उसके बाद सारी स्टेट में दी जाती है। हमें कई चीजें देखनी होती है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी कवर करना है, हमें RDS भी करनी है, हमें शहर का अर्बन इंडस्ट्री भी करनी होती है। तो देख कर करते हैं, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पब्लिक को तकलीफ नहीं आए, हमारा थोड़ा बहुत इंडस्ट्री भी आगे पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 पैसे बाद में भी कमा लेंगे, पब्लिक को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज की जो कष्ट निवारण समिति बैठी हुई है उसमें भी आपने कार्रवाई की है, एक टुहाना का चाहिए चार्जशीट किया है, और एक को शहर थाना रतिया का चार्जशीट कराए, एक SHO को लाइन हाजिर कराए, सब इंस्पेक्टर जो था, मतलब जो ठीक नहीं जिनका रवैया जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं उनके। MLC भी हटाया एक, जो BJP के नेता ने शिकायत की थी। MLC तो कोई नहीं, एक कुलदीप SDM मैडम को सीट से हटाने के लिए बोला गया, गाड़ी रजिस्ट्रेशन जो गाड़ियों को लेकर के विवाद के मामले जो 18 नहीं वो उसमें एग्जामिन करेंगे, सारी फाइल कह दिया कि लाके SDM DC साहब को दे, जल्दी शॉर्ट आउट करो। ये मंत्री कोरोना महामारी के दौरान जो कर्मचारी लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं, 1 महीने से वो धरने पर बैठे हैं, तो कब तक उनका समाधान? वो आज एप्लीकेशन दी है वो, यानी कई डिपार्टमेंट का हेल्थ का मामला भी है इसमें, ऊपर से भी सारा दिल्ली से चंडीगढ़ से होगा, तो क्या करके सर 18 में से कितने मामलों का मौके पर निपटारा और कितने पेंडिंग? हमने 18 में से 11 जो फाइल कर दी, 7 जो है वो पेंडिंग रही, जिनमें कुछ की रिपोर्ट्स आनी है, उन्हें हमने नोटिस दे दिए। जैसे एक बैंक मैनेजर था उसको कहा कि अगली बारी लाइन आती नहीं एक्शन करेंगे। हरियाणा पे सवाल, चुनाव के बारे में बताएंगे क्या कब हो रहे हैं निकाय चुनाव? निकाय चुनाव देखिए जल्दी होंगे, कोर्ट के मामले में रुके हुए थे, हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल में जल्दी फैसला हो जाएगा, हम चाह रहे हैं जल्दी। पंजाब में भी बिजली का संकट गहरा रहा है, हरियाणा पर सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता।
पता नहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता अब आगे कहाँ से सवाल उठाने लग गए। बिजली का संकट पंजाब में हमसे ज्यादा है सर, आप जाके देख ले, हरियाणा भी देखे, वहाँ भी हमारे थर्मल भी देखे, उनके भी देखे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय कर पाएंगे कांग्रेस का लगता है? देखिए 0-0 अगर 5-0 जोड़ दो, 0+0+0+0 इज इक्वल टू 0, वो 1 नहीं बनता। देखिए हुड्डा साहब को बनाए अध्यक्ष, उनके बाद 4-0 और खड़े कर दिए, एक भारद्वाज बना दिए, बनाने वालों को पता नहीं ये कौन है, जो बने उन्हें गांव में भी नहीं जानते ये कौन है, ऐसे नेताओं को बनाने से नाराज। देखिए कांग्रेस जब कमजोर हो जाती है तो सूबेदार खड़े हो जाते हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।